दोस्तों 2024 में आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है सभी डिफॉल्टर्स के लिए। ये जो है खुशखबरी होने वाला है, क्या है वो न्यूज, क्या है वो खुशखबरी जो आरबीआई दे रहा है 2024 में जो है ये खुशखबरी मिलने वाला है, तो क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पूरा देखिए एंड तक, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियोस, आप लोगों को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों क्या है वो न्यूज जो कि 2024 में आने वाला है, 2024 मतलब अभी के लिए जो है ये न्यूज आ रहा है कि 2024 में जनवरी में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आप लोगों को सभी को मिलने वाला है। अगर आप लोग डिफॉल्ट है, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, कोई भी बैंक से अगर आप लोगों ने लोन लेकर डिफॉल्ट कर गए हैं, तो ये न्यूज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एक गुड न्यूज होने वाला है। तो क्या है वो गुड न्यूज दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, अगर डिफॉल्ट करते हो, तो कंपनीज क्या करता है, एक अपने मनगढ़ंत जो है उनके तरफ से एक पेनल्टी चार्जेस लगा देता था आपके लोन के ऊपर। जितना भी अमाउंट आपने लोन लिया था उससे कई गुना अमाउंट जो है एक दो महीने के अंदर बढ़ जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब आप लोग सोच रहे थे कि मैं 10,000 रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको बढ़ा के 30,000 कर दिया है, अब उसको रिपेमेंट कैसे करें। आप लोगों को रिपेमेंट इस तरीके से करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने जो गाइडलाइंस निकाला है वो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि कोई भी लोन कंपनी 2024 से कोई भी लोन कंपनी अपने मन से कोई भी पेनल्टी चार्जेस ऐड नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे जो भी चार्जेस आप लोगों को देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा चार्जेस जो होता है, वो चार्जेस जो है टोटली बैन कर दिया है। कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी अब वो चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस जो होता है वो लगा नहीं सकता। एक मिनिमम चार्जेस होता है वो लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका 10,000 का लोन वो 30-40,000 कर दे पेनल्टी लगा के विदिन एक महीना दो महीने के अंदर, वो कर नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशंस आप लोगों को देखने को मिलता है कि 10,000-20,000 का लोन लेते हो और कुछ ही महीने के अंदर वो 20,000-30,000-15,000-50,000 तक जो है वो बढ़ के चला जाता है। तो ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप सभी को। आप लोगों को जो है हैरिस करते हैं कंपनीज वाले कि इतना लोन का ड्यू है, आप पेमेंट कब कर रहे हो, इससे डिप्रेशन भी आप लोग बहुत ज्यादा फेस करते हो। तो अब से जो है ये गुड न्यूज आप लोगों को मिल गया कि कोई भी पेनल्टी चार्जेस लगा नहीं सकता। अगर कोई भी एनबीएफसी आप लोगों के जो भी लोन का अमाउंट ओवरड्यू है उसमें अगर कोई भी चार्जेस लगाता है, तो सीधा आप आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे, तो वो कंपनी के तरफ से आप लोगों को पेनल्टीज का जो है वेव ऑफ देखने को मिलेगा, जो भी लगा रहा है, और कंपनीज के ऊपर जो है एक्शन भी लेगा आरबीआई। और जो दूसरा न्यूज है वो है अब से दोस्तों 2024 तक भी जाने की जरूरत नहीं, अब से जो है अगर कोई भी एजेंट आप लोगों को परेशान कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई भी एजेंट का कॉल आ रहा है, परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करके गंदा बातें बोल दे रहे हैं आपके बारे में, तो आप सभी को बता दूं कि अब से जो है सभी 54 छाप एजेंट का नौकरी जो है खतरे में है, नौकरी जो है जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई एक बहुत बड़ा स्टेप्स लेने वाला है, ले चुका है ऑलरेडी, कि बैंकिंग ऑम्बड्समेंट स्कीम में बहुत सारे ऐसे लोग जो है अभी तक कंप्लेंट्स कर भी चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एजेंट्स का नौकरी भी चला गया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप लोगों को एजेंट हैरेसमेंट आप लोगों को कर रहा है, तो यहाँ पे बैंकिंग ऑम्बड्समेंट पे आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है आसानी होगा ये सब चीजों से निकलने में, क्योंकि यहाँ पे एजेंट जो है सबसे ज्यादा खराब चीजें करते हैं। बाकी अगर लोन का डिफॉल्ट करते हो तो कंपनी अपने तरफ से कुछ करता नहीं है, जो भी करता है वो एजेंट करता है। क्या करता है, आपके घर पे आता है, आपको धमकाता है, आपके जो भी आस पड़ोस के लोग है उसमें चिल्ला चिल्ला के बात कर देते हैं, जो कि टोटली आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब आरबीआई जो है वहां पे आप सभी को पता है कि बोरोवर्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे नियम भी है कि अगर बोरोवर्स को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वहां पे जो है आरबीआई बहुत ज्यादा सख्ती से जो है कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो इसी लिए जो है आप सभी से रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है, ये सब जो भी एजेंट आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, बैंकिंग ऑम्बड्समेंट जाके सिंपल तरीके से आप लोगों को गूगल में सर्च करना है बैंकिंग ऑम्बड्समेंट, उसके बाद आप लोगों को जो वेबसाइट खोलने को मिलेगा आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उसमें आप लोगों को कंप्लेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी कंप्लेंट में क्लिक करने के बाद वहां पे आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा, नंबर देना पड़ेगा, उसमें ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा, कौन से कंपनी आपको हैरेस कर रहे हैं, कौन से एजेंट का नाम क्या वगैरह, डिटेल्स इमेज वगैरह आप लोग वहां पे डाल सकते हो और कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो भी
कंपनी आपको हैरेस कर रहे हैं, जो भी एजेंट हैरेस कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगा और उसका नौकरी जो है वो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो भी न्यूज आ रहा है, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि कोई भी पेनल्टी चार्जेस जो है वो अब से लगने वाला नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो चार्जेस होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम बना देते हैं वो लोग, अगर मानो आप लोन का रिपेमेंट कर भी देते हो, अगर पेनल्टी रह गया, पेनल्टी आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि पेनल्टी जो है आपको पेमेंट करना होगा, वो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, वो आपका सिविल पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप लोन पे रिपेमेंट कर दिए हो, जो पेनल्टी अलग से लगा है वो बोल सकता है कंपनी वाले की पेनल्टी लगा है, ये पेनल्टी आपको पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, कुछ नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को अगर लोन का रिपेमेंट पूरा कर दिए हो लेकिन पेनल्टी पड़ा हुआ है, तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेनल्टी एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। वो आरबीआई का जो है एक न्यूज है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना बोले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।